वहीं राजधानी दिल्ली में करीब 1100 पेड़ काटे गए, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बड़ा ही अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन आप दफ्तर के बाहर किया गया। दरअसल रिज एरिया में 1100 पेड़ काटे जाने के मामले में आप नेताओं ने बीजेपी और एलजी पर पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पेड़ और आरी के कट आउट लेकर पहुंचे। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी और उपराज्यपाल के आदेशों पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं इसे लेकर दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ ने प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज से बातचीत की। आइए सुनिए उनका क्या कहना है। ये पिछले दो महीने में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही थी कि डीडीए ने किसके आदेश पे गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे। अफसरों द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा था, डीडीए के अफसरों द्वारा छुपाया जा रहा था, दिल्ली के बड़े बड़े अफसर चाहे वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हो, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरासु हो, एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंह हो, डिविजन कमिश्नर अश्विनी कुमार हो, तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे। उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहां पहली बार तो 3 फरवरी को गए थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की जमीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% जमीन ले लेते तो वो सड़क चौड़ी हो सकती थी, मगर वो ना करके फार्म हाउस वालों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटी पैक की डिजाइन आज भी यूटी पैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई। राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से 1100 पेड़ काटे गए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे हाथों में पेड़ों का पैम्पलेट लिए हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी के खिलाफ यहाँ पे नारे लगा रहे गए। राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 1100 पेड़ काटे गए, जिसको लेके आज आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय से गूंज करने की जो मांग कर, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे, जाना चाहेंगे वो क्या करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज राठौर है। 1100 पेड़ काटे गए जिसको लेके आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं तो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी पूरी दिल्ली में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बनी रहती है आए दिन। पर्यावरण को सुरक्षित करने के बजाय एलजी साहब के आदेश पर 1100 पेड़ काट दिए गए हैं, जो कि दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है, ताकि उनकी जनता प्रदूषण से वैसे ही त्रस्त रहती है दिल्ली की जनता। ऊपर से अगर 1100 पेड़ काट दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं कम से कम 10-15 साल में इतना बड़ा पेड़ होता है, उसे काट कर प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ा दिया। जहां आप पेड़ कटे के लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, वही बीजेपी जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है बढ़ते बिजली के दामों को और पानी को लेके, वो लगातार पेड़ों को भी लेके जो है आम आदमी की पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी का धुरा चरित्र है। एक तरफ तो वो कहते हैं जब मुफ्त बिजली होती है तो कहते हैं, जब मुफ्त बिजली मिल रही होती है तो कहते हैं देश बर्बाद हो रहा है। अगर 1% पहली बात तो रेट बढ़े नहीं, अगर बढ़ भी गए तो उनका धुरा चरित्र ही तो है। फ्री दो तो उन्हें दिक्कत है, अगर रेट बढ़ जाए तो उन्हें दिक्कत, उनका धुरा चरित्र है जनता जान चुकी है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने पूर्ण
जवाब देगी। से बात करने के लिए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद है, कुछ महिलाएं मौजूद, उनसे बात करेंगे जिस तरह से पेड़ काटे गए जिसको लेके यहाँ पे महिलाएं भी जो है प्रदर्शन कर रही है। हाथों में पेम्पलेट है जिसमें एक ट्री बना हुआ है और यहाँ पे पेड़ काटने वाली आ रही भी है, इसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? शीला देवी। क्या कहना चाहेंगी 1100 पेड़ काटे गए जिसको लेके आज आप प्रदर्शन कर रही है? पेड़ काटना कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कितने प्रदूषण बढ़ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पब्लिक को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, ये इसको बंद करने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने पेड़ कटवाए हैं, लगातार बिजली पानी को लेकर भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रहा, उस पर तो ये रोप पर रोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा तो उसे करने नहीं देंगे। बात करने लगातार हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, लोग लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए, एलजी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। 1100 पेड़ काटे गए हैं, बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं पेड़ों को लेके आम आदमी बीजेपी के खिलाफ, तो क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी फ्री में लोगों को पेड़ बांट रही है और घर तक घर तक लोगों को पहुंचा रही है। आप देख रहे हो कि बहुत बड़े पैमाने पर हम पेड़ लगाने का, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कर रहे हैं कि जगह घर घर हर जगह पौधे लगाए जाएं। मैसेज लेके आए हैं कि भाई पेड़ों को काटना बंद करो, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ। हमसे बात करेंगे, हम लगातार यहाँ पे लोगों से बात करते हैं जिस तरह से पेड़ काटे गए जिसको लेके लगातार यहाँ प्रदर्शन करें। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता रीना गुप्ता भी मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगी 1100 पेड़ काटे गए जिसको लेके आप प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए आज हम लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई है, क्योंकि दिल्ली के एलजी ने गैर कानूनी तरीके से 1100 पेड़ काटने का निर्देश दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि कैसे 1100 पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी गई। दिल्ली में एक छोटा सा पेड़ काटने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और इतनी बड़ी तादाद में पेड़ क्यों काटे गए, तो उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने ह्यूमन चेन बना के ये प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, सीधा आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी और गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल पे लगाया था कि जिस दस्तावेज पे साइन किए गए हैं वो आम आदमी पार्टी के ही हैं। अगर ऐसा उनके पास कोई सबूत होता तो वो कोर्ट में एफिडेविट में क्यों नहीं ये सबूत दे रहे हैं, क्यों रोज सुप्रीम कोर्ट एलजी को फटकार लगा रहा है।